हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 के कट ऑफ के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको जितने भी वीडियो हैं मेरे चैनल पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ साथ में एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर करेंट अफेयर हर मंथ का लगभग 400-400 करेंट अफेयर का एक ही में पीडीएफ दिया हुआ है आंसर के साथ, तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एनटीपीसी का 15 साल का क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं एसएससी सीजीएल 2018 के कट ऑफ के डिस्कशन को। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल पोस्ट अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितना पोस्ट एसएससी सीजीएल 2018 में है। जो फॉर्म फिल हुआ था वो 23 लाख के करीब में अप्रोक्स फॉर्म फिल किया गया था जब फॉर्म फिल हुआ था तब। उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया गया वो 33% लोग एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी सीजीएल का, जो कि लगभग 7.5 लाख के करीब में हो जाते हैं। तो अब ये 7.5 लाख थोड़ा सा हर बार से कम एग्ज़ाम दिए, हर बार लगभग आपको 45% लोग एग्ज़ाम देते थे, इस बार आपको 3 लाख लोग कम एग्ज़ाम दिए हैं। हर बार 10 से 11 लाख लोग तक अपेयर होते थे एग्ज़ाम में, इस बार 7.5 लाख लोग ही अपेयर हुए हैं। तो इसके चलते भी थोड़ा सा कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा, मगर पिछले साल भर से गैप हो गया है। अभी सीजीएल के बीच में लगभग 1.5 साल गैप हो गया है, तो लोग पढ़ते 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 आप समझ सकते हैं कि जिनको जिनको तैयारी करना होगा वो पूरा का पूरा तैयारी, टाइम बहुत मिला था, किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एओ का कट ऑफ। पिछले साल का एओ का कट ऑफ 150 नंबर था, इस बार का एओ का कट ऑफ 145 प्लस जाएगा प्री का। ओबीसी का रहेगा 140 प्लस और एससी का 130 प्लस और एसटी का 115 प्लस। देखिए एओ का प्री का कट ऑफ लगभग 2 साल से सेम ही रह रहा है, 145 से लेकर 150 के बीच में रहता है, कभी 147 दे देता है, कभी 150 दे देता है। तो इस बार मान के चलिए कि 145 प्लस 2-3 नंबर इधर उधर होगा, ठीक है। उसी तरह जेएसओ का देखिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का, इसका कट ऑफ जो रहेगा वो 140 प्लस रहेगा, ओबीसी का 130 प्लस रहेगा, एससी का 118 प्लस और एसटी का 112 प्लस। देखिए इसका कट ऑफ प्री का कम तो नहीं होता है, मगर मेंस का सबसे कम कट ऑफ इसी का होता है। मेंस में क्या होता है कि इसका कट ऑफ को बहुत कम कर दिया जाता है। जैसे इस बार का देख लीजिए, टोटल 2017 में 50 पोस्ट जेएसओ का था, जिसके लिए 1800 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम दिया गया है। तो आप सोचो कि 50, जबकि प्री में कट ऑफ 144-145 था, मेंस में 258 कट ऑफ रख दिया गया था। तो उसके चलते मेंस में ज़्यादा लोग अपेयर हो गए जेएसओ में, तो वो लोग सारे जेएसओ का एग्ज़ाम दिए और 50 पोस्ट के लिए 1800 लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब टायर 3 के बाद। तो उसमें से नौकरी तो 50 ही को मिलेगा ना, मतलब फाइनल जो मेरिट होगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो कहने का मतलब ये है। चलिए अब हम लोग जनरल सारे पोस्टों का बात करते हैं। तो सारे पोस्टों का, जैसे कि आपको पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 4 तारीख का, 6 तारीख और 7 तारीख का। पेपर का मैथ का जो लेवल था, लेवल ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर में नहीं बना सकते थे। तो जो अब मतलब कि जितना सॉल्विंग कैपेसिटी था लोगों का वो घट गया। लगभग हर साल लोग 24-25 मैथ करके आते थे, इस बार लोग 15 से 16 मैथ किए हैं ये 3 डेट को। उसके बाद मैथ का लेवल में थोड़ा सा डाउन किया गया, मतलब कि उसके बाद जो कैंडिडेट थे वो लगभग 24-24, 23-23 मैथ करके आने लगे थे, मतलब कि बाद में पेपर जाकर मैथ का आसान कर दिया गया है। मगर फर्स्ट 3 शिफ्ट का जो पेपर था मैथ का, वो ज़्यादा हार्ड था, मतलब इन द सेंस कि लेंदी था। मगर इसका भरपाई जो किया गया वो इंग्लिश और जीएस में किया गया। हर बार जीएस अटेम्प्ट रेट होता था लोगों का 13-13, 14-15 स्तर करते थे लोग, इस बार अटेम्प्ट रेट है 20-22 तक जीएस का। तो वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा लोग अटेम्प्ट किए हैं और इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा आसान आ रहा है, लोग 24-25 तो सारे लोग करके आ रहे हैं, इवन वन वर्ड ईडीएम फ्रेजेज ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही आ रहा है। तो जो मैथ का 6 क्वेश्चन का पोर्शन आपका छूटा हुआ था वो इंग्लिश में कवर हो गया, हालांकि 3 दिन के लिए। बाकी जो अटेम्प्ट रेट जो ये 4, 6 और 7 तारीख वाले लोग हैं, ये 70 से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मगर 7 तारीख के बाद
जो 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें अटेम्प्ट रेट हाई हो गया है, लगभग 95-95 क्वेश्चन लोग करके आने लगे हैं। तो आप बताओ कि कट ऑफ कम जाने का संभावना तो है ही नहीं। आप सीपीओ का देख लो, कट ऑफ 118 था पिछले साल का, इस साल का कट ऑफ 140 था। हालांकि सीट कम था मगर प्री का इतना कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्री के बाद अभी मेंस होना है, फिजिकल होना है, मेडिकल होना है, तब पर भी 140 कट ऑफ दिया गया, वो भी टीसीएस ही लिया था एग्ज़ाम। तो आप मान के चलो कि एसएससी सीजीएल का भी 130 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा जनरल का, ठीक है। और ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 120 से लेकर 128 के बीच में रहेगा, एससी का कट ऑफ 110 से 119 के बीच में, एसटी का कट ऑफ 100 से 108 के बीच में। इसके बाद फिजिक जो हैंडीकैप्ड है उनका थोड़ा सा कम जाएगा, 95 के करीब में जाता है, 90, और जो एक्स सर्विस मैन है उनका 80 से 85 तक का कट ऑफ जाएगा। देखिए ये मतलब बहुत लोग का धारणा हो गया कि इस बार टीसीएस लिया है, एग्जाम फेयर हुआ है, ठीक है सब कुछ हुआ है, मगर कट ऑफ कम नहीं जाएगा, क्योंकि जो अटेम्प्ट करने का कैपेसिटी है लड़कों का वो लोग सारे अटेम्प्ट किए हैं। हाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, 4, 6 और 7 शिफ्ट तारीख के जो शिफ्ट वाले लड़के हैं उनका अटेम्प्ट कम भले ही हुआ है, एक्यूरेसी पर भी मैटर करता है। लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो भी टीसीएस ही लेती है। 28-28 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, लोगों को 28 नंबर इंक्रीजमेंट मिल गया है। तो आप अगर 120 भी 4 तारीख और 5, 6 तारीख वाला में 120 भी आया होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी फेल हो रहे हो, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद 20-25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आप 150 तक भी पहुँच सकते हो। तो ये है, नॉर्मलाइजेशन है, इसीलिए बड़ा इशू नहीं है, कोई कितना भी अटेम्प्ट करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर का अगर लेवल टफ होगा, अटेम्प्ट रेट कम हुआ होगा इस शिफ्ट उस शिफ्ट में, तो उतना ही ज़्यादा आपको नंबर दिया जाएगा, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में। जैसे कि सीपीओ में ये हुआ है, बहुत सारे लोग 140 अटेम्प्ट किए हैं तो उनको 140-142 नंबर ही रह गया है, और कितना लोग 120 से लेकर 150 तक चले गए हैं, तो वो भी देखने को आपको मिलेगा कि आपका नंबर कम है, मगर जब मेरिट लिस्ट लगेगा प्री का, मतलब प्री का फाइनल मेरिट आएगा कि कितना लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें आपका नाम आ सकता है, क्योंकि उसमें आपका नंबर बढ़ जाएगा 20 से 25 अगर एक्यूरेसी आपका करेक्ट होगा और पेपर का लेवल टफ होगा तब, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, और नीचे कमेंट सेशन में आपके अनुसार कट ऑफ क्या होना चाहिए वो ज़रूर आप लोग लिखिएगा। देखिए सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कट ऑफ का, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मगर कट ऑफ सारे लोग जो एसएससी के रियल कैंडिडेट होंगे वो प्रेडिक्ट यहीं करेंगे, 130 से 135 के बीच में, 2-3 नंबर इधर उधर हो जाए कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 120 कट ऑफ चल जाएगा, कभी नहीं, 120 वाला ज़माना चला गया, वो आज से 3 साल पहले होता था, अब नहीं होता है 120 वाला, क्योंकि पढ़ने का कैपेसिटी है लोगों का बढ़ गया है, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं आज के डेट में, और इंतज़ार कर कर के पढ़ रहे हैं सीजीएल का, तो इसीलिए कट ऑफ कम नहीं जाएगा। चलिए जुड़ जाइए चैनल से, और जो लोग एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, आप लोग एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ नीचे में एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स करके, वहाँ पर जाकर पूरा प्रीवियस ईयर जो भी अभी रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर हुआ है 2006 से लेकर अभी तक का पूरा हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर, और हर एक मंथ का करेंट अफेयर, मतलब एक मंथ में लगभग 400 क्वेश्चन करेंट अफेयर दिया हुआ है, एक ही साथ आपको पीडीएफ क्वेश्चन और एंसर ऑप्शन सब मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर बहुत ही शानदार पीडीएफ है, अगर उसको पढ़ लिए तो इंडिया का किसी भी एग्ज़ाम में आपको आप पढ़ने का ज़रूरत, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इवन जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, वो सारा का सारा करेंट अफेयर उसी में से आया है, और सब जो क्वेश्चन नहीं भी आया उसको उसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी हो गया, उत्तर प्रदेश पीसीएस लोअर हो गया, सीएचएसएल हो गया, क्योंकि करेंट अफेयर का जैसे कि आपको पता है कि महत्व तो बढ़ चुका है, 6 से 7 क्वेश्चन लगभग 2-3 शिफ्ट में तो 7-7 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 4 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंट अफेयर का आ ही रहा है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके अनुसार कट ऑफ क्या होगा ये कॉमेंट सेशन में लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू।